मंत्र ये है कि आपको पेपर के अंदर किसी भी हालत में कोई तुक्केबाजी नहीं करनी है, कोई हिट एंड ट्रायल नहीं करना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये आप जानते भी होंगे कि पेपर में नेगेटिव मार्किंग का क्राइटेरिया होता है, मतलब अगर आप सही क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपको मिलेगा एक मार्क, लेकिन अगर आप गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, तुक्केबाजी कर रहे हैं, तो आपको नेगेटिव मार्किंग झेलनी पड़ेगी, माने 0.25 की नेगेटिव मार्किंग आपके साथ हो जाएगी। मतलब क्या होगा कि अगर फर्ज कर लेते हैं कि आपने 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट, 50 क्वेश्चन में से आपके 45 क्वेश्चन ठीक है और 5 क्वेश्चन गलत है, तो 5 क्वेश्चन की नेगेटिव मार्किंग होगी, जिसमें 0.25 के हिसाब से 5 × 0.25 माने 1.25 की नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी और आपके जो मार्क्स आएंगे वो आएंगे 43.75। ठीक है ना, 45 सही मार्क्स होंगे, में से 1.25 मार्क्स कम कर दिए जाएंगे तो आपके जो मार्क्स आएंगे 43.75।